वेलकम एवरीवन। इस नए एपिसोड में फिर से सभी साथियों को स्वागतम करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज खास तौर पे जो साथियों हर रोज़ चाय पीती है उन लोगों के लिए खास तौर पे बनाया हुआ ये वीडियो। चाय के अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन सा चाय अच्छा है, वो सब के बारे में आज जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। राजस्थान आरसीएम कंपनी का जो चाय स्पेशलिस्ट रहता है उसने चाय के बारे में क्या बोला वो हम लोग अभी सुनेंगे इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलो वीडियो देख लेते हैं। हम लोग अभी आ गया है चाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे वो जियो पॉपुलर टी और चाय तैयार कर रहा है। ठीक है, आप लोग जोर से बोल देना, जोर से। ठीक है। चाय पूरे इंडिया में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में बनती है, जिसमें सबसे अच्छी चाय आसाम की होती है। आरसीएम में अपने प्योर आसाम की चाय यूज़ करते हैं। इंडिया के ये तीन सबसे बड़े पैकेटियर हैं, पूरे भारत में इनकी सबसे ज़्यादा सेल है। अपना पैकेट भी पूरे भारत में जाता है, इसलिए कंपेयर करने के लिए हम बाज़ार से खरीद लाते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में अपनी क्वालिटी इनसे हर एंगल से, हर पॉइंट से बहुत बेटर है। ये चाय टेस्ट में अच्छी है, ये कड़क और लाल रंग देती है, स्ट्रॉन्ग है। ये घरों में भी चलती है, होटल में भी चलती है। चाय के सैंपल सब आसाम से आते हैं, ये सब सैंपल आसाम से आए हुए हैं, इनको हम लोग टेस्ट करते हैं। अलग अलग गार्डन से अलग अलग ग्रेड के अलग अलग टाइप के सैंपल आए हुए हैं, जिनको हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए चाय यहाँ 3 ग्राम वज़न करते हैं, ये वज़न करने के हिसाब से है। वज़न करके और ये चाय का टेस्टिंग कप इसमें रखते हैं, इसमें 3 ग्राम वज़न की हुई चाय रखी हुई है। उसके बाद गैस में पानी गर्म करते हैं, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा उसको इसमें डालेंगे। 5 मिनट ये घड़ी के हिसाब से रखेंगे, ये घड़ी 5 मिनट का समय देती है। 5 मिनट के बाद इसको खाली करेंगे, 5 मिनट बाद खाली करेंगे तो चाय की लीकर इसमें आ जाएगी, चाय पत्ती इसमें रह जाएगी। ये लीकर मुंह से टेस्ट होगी, चाय का कोई मशीन केमिकल या मैकेनिकल टेस्ट नहीं है। टेस्टर के जीभ पे क्या लग रहा है, तलवे पे क्या लग रहा है, मसूड़ों पे क्या लग रहा है, नाक में क्या स्मेल आ रही है, उसी से अच्छी हल्की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। आप ये देख रहे हैं वो वहाँ रखे हुए हैं, वो टेस्टिंग कप रखे हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर चाय डाल के वजन करके टेस्ट करते हैं। तो जो सैंपल टेस्टिंग में पास होंगे उनको अलग रखेंगे, जो रिजेक्ट होंगे उनको गिरा देंगे, नहीं देखेंगे। पास किए हुए सैंपल कलकत्ता गुवाहाटी से इनके कंपटीशन में और इंडिया के सभी व्यापारियों के कंपटीशन में खरीद होंगे। चाय खरीद होकर यहाँ आ जाएगी। चाय एग्रीकल्चर क्रॉप है, इसलिए अलग अलग गार्डन में अलग अलग टाइम में अलग अलग क्वालिटी बनती है। लेकिन 365 दिन आप लोगों को एक ही टेस्ट देने के लिए हमको ब्लेंड करना पड़ता है। ब्लेंडिंग एक आर्ट है, जिसमें अलग अलग गार्डन की क्वालिटी को हम इस रेशियो से मिक्स करते हैं कि 12 महीना एक ही टेस्ट रहे। तो आपने हमारी मशीनों के पीछे बड़ा स्टील का ड्रम देखा होगा, उसमें अलग अलग गार्डन की क्वालिटी डालते हैं और उसको 5 मिनट घुमाते हैं, उसमें सब चाय मिक्स हो जाती है। फिर वो एलिवेटर से ऊपर जाती है और फिर नीचे जहाँ आप देख रहे हैं पाउच पैक हो रहे हैं वहाँ पैकिंग में आ जाती है, वहाँ पाउच पैक हो रहे हैं वहाँ पैक हो जाती है। हर एंगल से, हर पॉइंट से अपनी चाय ये टेस्ट में अच्छी है, ये कड़क और लाल रंग देती है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कोई भी पड़ोसी, मित्र, रिलेटिव ये ब्रांड यूज़ कर रहा है या आपके डिस्ट्रिक्ट की दूसरी ब्रांड यूज़ करता है, उनके घर पे अपना सैंपल दीजिए। उनके हाउसवाइफ को बोलिए जैसे आपकी चाय बनाती है हमारी बनाइए, उनके यहाँ भी आप देखेंगे अपना कप बहुत बेटर निकलेगा। आप आरसीएम चाय पीते ही हैं, आप 250 ग्राम ये खरीद लाइए या आपके डिस्ट्रिक्ट की जो ब्रांड चलती है वो खरीद लाइए, किचन में खड़े हो जाइए, जैसे आप आरसीएम चाय बनाते हैं वैसे ही खुद की चाय बनाइए, वहाँ आप देखेंगे अपना कप सुपर निकलेगा। ये टेस्ट भी अच्छा है, ये कड़क और लाल रंग देता है, स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई बोले आपकी 500 ग्राम चाय का 212 रुपया है, हम तो 160 रुपये में 500 ग्राम लाते हैं। चाय जितनी हल्की क्वालिटी की होगी हेल्थ के लिए उतनी नुकसानदायक है, उससे एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, पेट खराब होगा। कस्टमर को कन्विंस करना है अच्छे हेल्थ के लिए तो हमारी आरसीएम की प्योर आसाम की चाय यूज़ करो। चाय के एक कप में चाय पत्ती की कीमत जो वो हल्की क्वालिटी की यूज़ कर रहा है और अपने यूज़ करेगा तो 20-25 पैसे का फ़र्क पड़ेगा। कस्टमर को बोलना है 20-25 पैसे के लिए अपना हेल्थ क्यों ख़राब करते हो, इससे हमारे आरसीएम चाय से स्वास्थ्यवर्धक है, इससे ताजगी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, आलस्य दूर होगा और जितने भी चाय के एडवांटेज है सब मिलेंगे। ये चाय अगर आपने किसी को दी है, कोई बोले कड़क चाहिए तो ये दीजिए,
और कड़क और टेस्ट दोनों चाहिए, दोनों मिक्स करके पी सकते हैं। हर एंगल से, हर पॉइंट से अपनी चाय अच्छी है। चाय के हिसाब से, चाय के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, चाय के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, लेकिन ताजगी तो RCM के 1 कप चाय से ही आएगी। जैसे कि साथियों सुन लिया आपने खुद ही कि अगर कम कीमत वाला चाय अकबर अगर आप लोग पीते हैं तो आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वहाँ से पेट का बहुत सारा बीमारी हो सकता है। इसलिए 2-4 पैसों के लिए इस क्वालिटी के मत जाइए, अच्छा क्वालिटी वाला चाय पिए, और जो कि है ये जियो पॉपुलर टी, ये हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ये हेल्थ के लिए अच्छा ही है और स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहेगा। थैंक यू साथियों, जय RCM, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।